फ़कर जो होता है ना उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो चारों किताबों का इलम रखता है। और फ़कर जहाँ भी बैठा है उसके आसन के नीचे पूरी दुनिया है। ओ चल बुलिया चल यार मना लिए, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते तेथों उत्ते। कौन कहंदा मेरा कोई जगते सहारा नहीं, माधो मेरे नाल नाल मैं ते कल्ला कारा नहीं। अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू, तू ही ताना तू ही बाना मेरा सब कुछ तू। कहे हुसैन फकीर नमाना मैं नहीं सब तू, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं अखवत न्यूज़। बरस सगीर को सूफिया की सरजमीन कहा जाता है, यहां पर बहुत से मज़ारात मौजूद हैं, ख़ास तौर से लाहौर में हमें जा बजा बहुत से मज़ारात दिखाई देते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं माधो लाल हुसैन के मज़ार पर। हम आपको यहाँ पर बताएँगे कि माधोलाल हुसैन कौन थे, और यहाँ पर मौजूद ज़ायरीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अदब का मुकाम है बाबा, यहाँ जिसने भी लिया अदब करके लिया, ठीक है, बिन अदब के कुछ नहीं मिलता। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, ये है फ़कर। फ़कर जो होता है ना उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो चारों किताबों का इलम रखता है। और फ़कर जहाँ भी बैठा है उसके आसन के नीचे पूरी दुनिया है, मालिक का रूप है। अगर आपका ईमान है तो आप जो मांगे आपको मिलेगा, आप जो कहें वही होगा। आपको समझ नहीं आएगी कि ये तो मालिक के हाथ में सब इख्तियार है, ये फ़कीर कैसे कर रहा है। हमने फ़कीर सैयद की सेवा दी है, कोई 12-14 साल रात दिन मच रोशन किए हैं, चिराग किए हैं। बुल्ले शाह सरकार का कलाम है, कहते हैं चल बुलिया चल उत्थे चलिए जिथे वसदे अकले अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मने। राती जागी करी इबादत राती जागन कुत्ते, और बौंकन तो है बाज ना आवन जा रूरी ते सुते। और मालक दा दर है नहीं छड़दे भावें खावन सोसो जुते। और चल बुलिया चल यार मना लिए, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते तेथों उत्ते। हाँ जी, ये हमारी बहुत प्यारी हस्ती है दरबार की, और माशाल्लाह इधर से जो भी मुराद मांगे ना वो पूरी होती है। और इसके चिराग जो जलाते हैं ये हमारी शुरू से रवात इधर आ रही है, और दूर दूर से आते हैं और जो चिराग जलाते हैं, और माशाल्लाह इनकी हर मुराद पूरी होती है, जो मांगे ये बन गए। ये मेला चिरागा का हर साल लगता है, सिर्फ ये कोरोना की वजह से नहीं लगा था, लेकिन बकाया बाद में लगता है। माधोलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का जो वो सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का भी जो है वो इनाकात किया जाता है, और हज़ारों की तादाद में जो ज़ायरीन है वो यहाँ पे आते हैं। माशाल्लाह एक मतलब जैसे धमाल और जिस तरह लंगर का अहतमाम किया जाता है, और बहुत से ज़ायरीन दूर दराज इलाकों से जो है वो माशाल्लाह यहाँ पर आते हैं। उस टाइम तो मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी गैदरिंग की वजह से जो मतलब दुश्वारी के मामलात और सामना भी करना पड़ता है, लेकिन माशाल्लाह हज़रत सखी माधोलाल हुसैन जो है जिस तरह दाता अली हजवेरी का उर्स मुबारक की तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, इस तरह यहाँ पे माशाल्लाह बहुत। और ये अल मशहूर मेला चिरागा के नाम से भी मशहूर है माशाल्लाह, और बड़ी रौनक का समा होता है। और हम लोगों को कह लेंगे कब से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हर जुमेरात को भी आते हैं, वैसे भी आते हैं। और सखी इस वजह से कहते हैं कि सखावत उन्होंने की, और जिस तरह उनका एक उस्ताद और शागीद का रिश्ता था, रूहानी बाप का रिश्ता भी था हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से माधो का। माधो बेसिकली चूँकि जो हैं वो हिंदू थे, और जैसे ही वो वहाँ से मतलब माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे फिर उन्होंने शाह हुसैन की जो है वो इनके साथ एक लगन थी, अकीदत थी, मोहब्बत थी, और इनके ज़ेर निगरानी वो सारे मामला जैसे रूहानियत और दीन का काम करने लगे। मुझे 7 जुमेरातों का था कि मैंने 7 जुमेरातें जानी है कहीं, तो मैं पहले गई मीरा हुसैन, फिर मैं गई गुजा पीर, फिर मैं दाता सरकार गई, फिर मेरे पास एक दरबार है मैं उधर गई, फिर मैं गई उधर
एक और दरबार है उनका नाम याद नहीं अभी मुझे आ रहा, उधर गई। और ये सातवां दरबार है जहाँ मैं आई हूँ। और इधर आके मुझे ये एक मेरा रूहानी है ना सिलसिला, तो जिसकी वजह से मुझे जहाँ वो कहते हैं तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ। तो ये मेरी साथ जो मैं रहती थी तो मैंने अपनी पूरी कर ली है इंशाल्लाह ताला। वैसे मेरा सिलसिला तो है ही है, तो एक ज़रा मजबूती आ जाती है, एक दवा एक मिल जाता है ना, एक मजबूती मिल जाती है। मज़ूब की भी अपनी ही दुनिया होती है, जो अपने ही अंदाज से दुनिया को देखता है, उसका अपना जाविया निगाह होता है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एक मज़ूब मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पर कब से हैं और क्या करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बचपन से थे हैं। क्या करते हैं? मैं देखना चिराग किसरा बाल दे लोगी, चिराग किसरा बाल दे माचिस। आप यहाँ पे काम क्या करते हैं? मैं इतने देखना पुलिस वाले की करते पैने किसने मारन नहीं रहे निकल पुलिस वाले मार देने, मारना चाहिए। आप मना नहीं करते? हूँ मार के दे भाई, मैं मुँह पार दागा। अच्छा मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से आप ये खाना लेके घूम फिर रहे हैं, खा क्यों नहीं रहे? ये किसी को खिलाना है? मशहूर को जो कराची से आई हुई। आई हुई है कहाँ पे है? ये बारादरी के पास ही उसका घर, लेकिन उसका अपना घर समुद्र पे किनारे पे है, वो धंधा करती है। और ये दो बोतलें क्यों है? उसके लिए जरा मर्जी पी ले, मैं होले लगा। अच्छा तो आपने ये पुलिस के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मैं जब दास साहब जाता हूँ रोज रात को, मेरे से नशेई लोग ये ना वो मेरे से पैसे छीन लेते हैं, कुछ भी छीन लेते हैं, कल परसों भी छीने हैं। इधर भी पुलिस की टोपी पिछले जुम्मे के कोई तार के ले गया। यहाँ पे आपसे लोग पैसे छीन लेते हैं तो पुलिस कुछ नहीं करती? कुछ नहीं करती, टोपी नहीं मेरे पे जा सके, मैं क्या मेरे सामने टोपी लेके जा रहे हैं। सल्लल्लाहु अली का या रसूल अल्लाह, वसल्लम अली का या हबीब अल्लाह। कौन कहंदा मेरा कोई जग ते सहारा नहीं, कौन कहंदा मेरा कोई जग ते सहारा नहीं, माधो मेरे नाल नाल मैं ते कल्ला कारा नहीं, माधो लाल मेरे नाल नाल मैं ते कल्ला कारा नहीं। मैनू रंग चढ़ाया माधो ने, मैनू रंग चढ़ाया माधो ने, कौन कहंदा मेरा कोई जग ते सहारा नहीं, लाल मेरे नाल नाल मैं ते कल्ला कारा नहीं। जो सियां कहती हैं दरबार पे कहती हैं किसे दर उत्ते जावा मेरी की मजाले, मेरे कासे पर दाए सोना लज पाले, किसे दर उत्ते जावा मेरी की मजाले, मेरे कासे पर दाए सोना लज पाले, डोलन नहीं देंदा ओदा फजल कमाले, डोलन नहीं देंदा ओदा फजल कमाले, माधो मेरे नाल नाल मैं ते कल्ला कारा नहीं, माधो लाल मेरे नाल नाल मैं ते कल्ला कारा नहीं। ऐसा रंग चढ़ाया है कदी भी नहीं लथिया है, ऐसा रंग चढ़ाया है कदी भी नहीं लथिया है, जो कुछ मंगे आए माधो मैनू दिता है, जो कुछ मंगे आए माधो मैनू दिता है। कौन कहंदा मेरा कोई जग ते सहारा नहीं, लाल मेरे नाल नाल मैं ते कल्ला करा नहीं।